أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. كراما يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. يعلمون ما إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين. وما هم عنها وما أدراك ما يوم الدين.
रहीम बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? अशरा मगफरत का 19वां रोज़ा है आज जनाब, और अनकरीब हमारा तीसरा अशरा भी शुरू हो जाएगा। देखें कितनी तेज़ी से दौड़ रहा है रमज़ान करीम, और पता नहीं अगला रमज़ान हम सबको मिले या ना मिले। अल्लाह ताला हमें सेहत ज़िंदगी के साथ दोबारा भी रमज़ान शरीफ दिखाए। और इस महीने में बार बार कहती हूँ, रोज़ाना कहती हूँ कि अल्लाह ताला से अपनी तमाम हाजात मनवा लीजिए, मांग लें जो मांगना है। जनाब डेली आप लोगों के लिए ऐसे मौजूदात लेकर आती हूँ कि मेरी और आपकी, हम दोनों की मालूमात में इजाफ़ा हो। मेरे साथ होते हैं उलमाए कराम जो कि ठीक से हमें दीन सिखाते हैं, समझाते हैं, सिखलाते हैं। आज का मेरा मौजू है उम्मातुल मोमिनीन, यानी उम्मत की माएँ, जो कि सबसे ज़्यादा जिनकी हमें इज़्ज़त करनी चाहिए, जिनका एहतराम करना चाहिए, जिनसे हमने घरेलू मामूलात आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीखे हैं, और इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी सीखते रहेंगे। जनाब उम्मातुल मोमिनीन जो हैं वो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रही हैं, और इनकी तादाद 11 है। सबसे पहली जो ज़ौजा मोहतरम थी वो जनाब खदीजतुल कुबरा थी, और तमाम अज़वाज जो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजरी हैं वो तमाम जो थी वो बीबी खतीजा और बीबी खतीजा और बीबी आयशा के सिवा सारी तलाक़ याफ्ता ख़वातीन थीं, जिनकी आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के बाद कफालत भी की और उनके साथ बेहतरीन तरीके से ज़िंदगी भी गुजारी। अच्छा अज़वाज मुतहरात का ये जो रुतबा है कि उम्मत की माएँ, ये अल्लाह पाक ने ख़ुद इनको रुतबा दिया कुरान पाक में अपनी आयतों के ज़रिए। जनाब मैं आपको बताऊं आज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के हवाले से कि ये हमारे प्यारे खलीफ़ा राशिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की प्यारी साहबजादी थीं, और निकाह में आने के बाद इन्होंने घरेलू ज़िंदगी के मामूलात के साथ साथ दीनी मामलों को भी सीखा समझा, और आका के पैगाम को फैलाने में इनके शाना बशाना खड़ी रहीं। अच्छा हदीस बयान करने के साथ साथ दीगर उलूम पे भी ये बहुत महारत रखती थी, यहाँ तक के जंगी समझ बूझ भी रखती थी, और मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये बहुत ही बेहतरीन शायरा भी थी। अच्छा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनकी बेहतरीन याददाश्त और ज़हानत की कदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करते थे, और हम भी आज तक करते हैं। और इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी ख़वातीन की, औरतों की शख्सी आज़ादी को ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि इनको सराहा और इनकी काविशों में इनका साथ दिया, और इन ख़वातीन ने कारोबार से लेकर आला तरीन दर्जों पे फ़ाइज होकर बिला खौफ व ख़तर काम किया। इसके अलावा तमाम अजवाज के साथ आका का जो जो रफाकत थी, जो मोहब्बत थी, जो मामलात थे, वो हमारे लिए मशले राह हैं। जनाब जब भी बात होती है मैरिटल लाइफ की, अजवाजी ज़िंदगी की, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी के हर मामले की तरह हमें इस मामले पे भी अपने नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। क्या
हुसन से इन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अपनी अजवाज के साथ क्या मोहब्बत और रफाकत का मुजाहिरा किया और किस कदर मदद की घरेलू कामों तक में मेरे आका, मेरे नबी, मेरे प्यारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदद किया करते थे। और ये आज की जो आज के हमारे मर्द हजरात हैं इनको लाजमी देखना है सारा शो, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि आका की अज़दवाजी ज़िंदगी कैसी थी और ताकि ये सारी चीज़ें सुन के और समझ के हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी को बेहतर कर सकें और ख़ूबसूरत बना सकें। और मैं आपको एक और बात भी बताती चलूँ कि आगे जाके जितने हमारे प्रोग्राम्स, हमारी जितनी भी रमज़ान ट्रांसमिशन रह गई है उसमें मैं डेली कोशिश करूँगी कि कहीं ना कहीं आप लोगों को इस्लामी तारीख़ में जो ख़वातीन गुजरी हैं, जो कि आला मरातब पे फाइज रही हैं, जो कि बिजनेस वुमेन रही हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिसके बारे में हम लोग बहुत कम बात करते हैं, बहुत कम जानते हैं। पता है क्या, हम तो उस माशरे से हैं जनाब, आज तो वो वक्त आ गया है वही अरब का दौर जहालत की तरह के जब बेटी पैदा होने पे मुंह बना लिया जाता था। कितने लोगों को मैं खुद ज़ाती तौर पे जानती हूँ कि जब उनकी यहाँ बेटी होती है तो वो खुश नहीं होते। मगर जान लें, इस चीज़ से मैं खुद भी गुजरी हूँ कि जो बेटी होती है ना, वो जब बड़ी होती है तो वो आपका साथी बनती है, वो आपकी बेहतरीन दोस्त बनती है। और यही नहीं, वो सारे घर की निगहबान बनती है, वो ऐसे मदद कराती है आपके कामों के साथ साथ कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। और यही बेटी जब एक बीवी बन के अपने शौहर के निकाह में जाती है तो वो उसकी भी ज़िंदगी संवार देती है, ख़ूबसूरत बना देती है। तो इस्लाम में ख़वातीन का मुकाम सिर्फ घरेलू ज़िंदगी में ही नहीं, उसके सोशल लाइफ में, उसकी बिज़नेस लाइफ आप कह लें या उसके जॉब एरिया में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग रही है। और हमें चाहिए कि जिस तरह हमारे पैगंबर, आखिरी पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज की मदद की, उनकी जॉब एरियाज़ में, उनके बिज़नेस एरियाज़ में उनको स्ट्रेंथ दी, उनको स्ट्रॉन्ग बनाया, उनको पावर दी, उनकी सपोर्ट बने, हमारे तमाम शोहरों को भी आज अपनी बीवियों के लिए ऐसे ही खड़ा होना है साथ। और हमें चाहिए कि हम अपनी ख़वातीन को, अपनी मुसलमान ख़वातीन को दायरा हया में रहते हुए अपने, हमें चाहिए कि हम उनको सपोर्ट करें ताकि वो बेहतरीन तरीके से अपने प्रोफेशंस में आगे बढ़ सकें और अपना नाम आगे फैला सकें। मेरे साथ मौजूद हैं रोज़ाना की तरह मेरी प्यारी प्यारी सरवत आपा, सरवत अस्करी साहिबा। अस्सलाम अलैकुम सरवत आपा। अच्छा, माइक इस वक्त हमारे पास शायद अवेलेबल नहीं है और मैं आज बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करने वाली हूँ सारी अज़वाज मुतहरात के लिए, मेरी उम्मत की माओं के लिए, मेरी जान उन सब पे कुर्बान। जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे और वापस आके सरवत आपा से पूछूंगी मज़ीद सवालात इस हवाले से। कहीं मत जाइएगा, साथ रहना है हमने। अस्सलाम वालेकुम, बरकत रमज़ान में खुश आमदीद। मेरे साथ मौजूद हैं सरवत अस्करी आपा और बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले थोड़ी बहुत वुमेन एम्पावरमेंट की। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, हमें हर चीज़ की तरह वुमेन एम्पावरमेंट को भी समझना और सीखना चाहिए इस्लामी तारीख से। इस्लामी तारीख में औरतों का क्या बुलंद मर्तबा और मकाम रहा, ये पूछूंगी सरवत अस्करी आपा से। जी इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अरब की वो सरजमीन के जहाँ पर बेटी को पैदा होते ही ज़िंदा दफन किया जा रहा था, और ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं है बल्कि हमारे पास कुरान मजीद की सनद मौजूद है। सूरह नहल में परवरदिगार आलम ने तस्करा किया कि तुम याद करो उस वक्त को कि जब तुम्हारे घर में बेटी की विलादत होती थी और तुम्हारे चेहरे रंज के मारे स्याह पड़ जाते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम आया, सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबूज़ बार रिसालत हुए, तो वो अरब की सरजमीन के जहाँ पर बेटी को पैदा होते ही ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, उस बेटी को वो मर्तबा और वो मकाम मिल गया कि उसे बाप की विरासत में से हिस्सेदार करार दे दिया गया, इल्म हासिल करना उस पर वाजिब और लाजिम करार दे दिया गया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको, आपको, हम तमाम औरतों को इस वक्त बिलखसूस हमको, बहसे तो मत मुस्लिमा तो बिल्कुल एहसान मानना ही चाहिए, लेकिन बहसियत औरत ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का एहसान माने कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ने और इस्लाम ने हमको ये अजीम मकाम और ये मर्तबा अता फरमाया। आपने बात की कि औरत को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि माशी मनसूबा बंदी किसी भी शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है,
और मुसलमान या मोमिन जो है वो कभी भी भेड़ बकरियों जैसी जानवरों जैसी ज़िंदगी नहीं गुजारता है कि आए खाया पिया सोए और चले गए, बल्कि वो एक मकसद है, क्योंकि दुनिया मज़रा आखरत है, दुनिया आखरत की खेती है। अब जब दुनिया आखरत की खेती है तो हमको ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जैसी ज़िंदगी अल्लाह को चाहिए, जैसी ज़िंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहिए। अब उसमें बहसियत औरत मेरा क्या किरदार है, मैं क्या उसमें डाल सकती हूँ? सबसे पहली बात तो ये कि मैं बहसियत औरत जिम्मेदार हूँ अपने घर की, अपने बच्चों की। सबसे पहले घर, बिल्कुल, क्योंकि मेरा शुमार और आपका शुमार उन औरतों में होता ही नहीं है कि जो हम कहते हैं कि घर बाद में बाहर के काम पहले, बल्कि हमको सबसे पहले अपने घर को तशकील देना है, अपने घर को तरतीब देना है, अपने बच्चों को पालना है, क्योंकि हमारे पास वो वाली अहादीस मौजूद हैं, वो रिवायात मौजूद है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई औरत अपने बच्चों की तरबियत और निगहदाश्त में मसरूफ़ होती है, अपने घर के कामों में मसरूफ़ होती है, मफहूमा नर्स कर रही हूँ, और साथ में जिक्र परवरदिगार कर रही होती है, तो परवरदिगार आलम उसको निहायत अजर और सवाब अता करता है। तो हम तो अजर और सवाब के मतलाशी हैं ना, तो सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपनी माशियात की मंसूबा बंदी करनी है। और आपा एक और बात यहाँ पे मैं अर्ज करती चलूँ कि वो खवातीन जो कि काम करती हैं दायरा हया में रहते हुए, सबसे पहली बात, दूसरी बात ये कि जब हम काम पर जाते हैं तो अगर हम अमाल का दारोमदार नीयत पर, आपा जब हम ये नीयत सेट कर लेंगे कि हम लोग काम पे घर से बाहर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि हम लोगों ने अपने बच्चों की कफालत करनी है और अपने घर की बेहतरीन यू नो परवरिश करनी है, अल्लाह पाक ने अपनी उम्मत मुस्लिमा में जितने भी अफराद मेरे ऊपर रखे हैं, मेरी जिम्मेदारी दी है अपनी उम्मत में जितने अफराद की, उनको पालने के लिए जब मैं घर से बाहर काम पर जा रही हूँ तो वो सारा काम, वो सारा दिन जब हम काम पर रहते हैं ना, वो इबादत होता है, पल पल आप इबादत में होते हैं, हमारा काम भी आपा इबादत बन जाता है। ये चीज़ नहीं हमारी ख्वातीन को सीखनी चाहिए। इन्नमल आमालु बिन्नियात, आपके अमाल का दारो मदार आपकी नीयतों पर है। और मैंने अर्ज़ किया माशी मनसूबाबंदी, तो माशी मनसूबाबंदी में औरतों का किरदार बहुत ज़्यादा अजीम और अहम है। मैं मर्दों की इस वक्त बात नहीं कर रही क्योंकि हमारा टॉपिक मर्दों पर नहीं है। जब हम औरतों की बात करते हैं तो सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हम देखते हैं कि उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जो कि पहली उम्मुल मोमिनीन सरकार की ज़िंदगी में तशरीफ़ लाई हैं, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई कि सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते कि जी अब वो तिजारत के काम नहीं करेंगी, कमाल आपा कमाल, वो माशी मनसूबाबंदी नहीं करेंगी, बल्कि वो अपने माशियात को संवारती रहीं, अपनी दुनिया को इसलिए संवारती रहीं ताकि उनका दीन बन सके, उनकी आखिरत बन सके, क्योंकि दुनिया मज़रा आखिरत है। और उसके बाद उस दौलत को खर्च किया जाएगा, किया जाता रहा इस्लाम की नशो इशात पर, तहफ़ इस्लाम के लिए, बकाए इस्लाम की खातिर, तो वो दौलत कमाना भी हमारे लिए इबादत करार पाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर दौलत को उस तरीके से कमाएं कि जिसकी बिना पर हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा को लक़ब ताहरा मिला, तो यकीनन मुझे और आपको उनके नक्शे कदम पे चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। आपा इज़दवाजी ज़िंदगी में जो आका पाक नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मामलात रहे अपनी अजवाज के साथ, उनके बारे में ज़रा कुछ इरशाद फरमाइएगा ताकि हम लोग भी लेसन सीख सकें, क्योंकि आजकल सीधी बात है कि डाइवोर्सेस का रेट सबसे ज़्यादा डाइवोर्सेस पाकिस्तान में आई हैं, टॉप थ्री में पाकिस्तान था कोरोना टाइम्स में भी। तो मुझे ये लगा कि जब हम लोग काम धंधे हमारे बंद हुए और हम सब घरों पे बैठ के एक दूसरे की शक्लें एक्चुअली देखने लग गए ना, तो तब आई कुर्बत, करीब होना शुरू हुए एक दूसरे से, क्योंकि सारा दिन तो लोग होते ही नहीं थे, थके हारे ऑफिस से आते थे, बच्चे स्कूल से आते थे, माएँ भी कहीं ना कहीं लगी रहती थी। जब कोरोना ने सब कुछ बंद किया ना आपा, तो हम सबको एक दूसरे की शक्लें देखने के लिए मिली, और वहाँ पे हमारा डाइवोर्स रेट जो है वो मैक्सिमम हिट कर गया। तो आप देखिए कितनी अफसोस की बात है आपा, मैं खुद देखती हूँ अपनी लॉट में भी लड़कियों को देखती हूँ कि सब्र हमारे अंदर से ख़त्म हो चुका है। अच्छा, सब्र के ऊपर तो एक हम पूरा एक प्रोग्राम लेके चलेंगे आपा, उसे हम बताएंगे कि हमारे पैगंबरों ने भी किस किस तरह से कसस अलंबिया में सब्र का की आला मिसाल कायम की। हमारी लड़कियों को सब्र भी तो सिखाए ना आपा, कि अगर माली मसलों में मर्द आ जाता है या किसी और किस्म के मसले, तो लड़कियों ने क्या करना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि एक लड़कियां हो या लड़के, उनके गिर्द एक रंगा रंग दुनिया बना दी गई है, एक चकाचौंध वाली दुनिया जिसमें उनकी आंखें खीरा हो गई हैं, उनको ज़िंदगी के प्रैक्टिकल मामलात के बारे में पता नहीं। वो समझते हैं कि सुबह जिस तरह टीवी ड्रामों में दिखता है शायद यही ज़िंदगी होती है, तो इनको रियलिटी की तरफ लाया जाए। और रियलिटी की ज़िंदगी हम रिवायात में तो हम पढ़ते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना हर चीज़ अल्लाह की राह में खैरात कर दिया करते थे, लेकिन अमली तौर पर हम कितने उसमें
में पूरे उतरते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख्वातीन नाजुक आबगीनों की मानिंद हैं। औरत को नाजुक आबगीनों की मानिंद तसव्वुर करो। तो लेकिन हमारी अमली जिंदगी में हम देखते हैं कि मर्द हाथ भी उठाता है औरत पर। बहुत अफसोस के साथ अर्ज कर रही हूं। इसके ऊपर बात करेंगे, आपा बहुत जरूरी आपने बात फरमा दी है। हम पे छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके मैं आपसे पूछूंगी कि जब आपकी बेटी की शादी हो रही हो तो उसको क्या तकलीन करनी है, हमने कहीं नहीं जाएगा, साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, बरकत रमज़ान में हम वापस आ चुके हैं और शुरू करने लगे हैं एक नेकी। जी शो में मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सिना हेल्थ केयर ट्रस्ट की सीईओ अमरीन काजिम थॉमसन। मैं इनसे खुद ही जानूंगी कि ये ट्रस्ट, ये दारा करता क्या है। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आने के लिए। आज एक नेकी में बताइए कि सिना हेल्थ केयर ट्रस्ट एक्चुअली करता क्या है। दुआ, जैसे कि आप जानती हैं हमारे यहाँ कराची जो है अब इतना फैल गया है, तकरीबन 40% कराची जो है वो कच्ची आबादीज़ है, इलीगल सेटलमेंट्स है, जहाँ आपकी 47% ऑफ आपकी पॉपुलेशन वहाँ रहती है। ये वो आबादी है जो ऑब्वियसली जो कहीं और अफोर्ड नहीं कर सकती रहना, सबसे ज़्यादा गरीब, सबसे ज़्यादा वनरेबल आपकी आबादी है। प्रॉब्लम ये है कि हुकूमत जो है इन एरियाज़ में बिकॉज ऑफ लीगल रीजंस वहाँ कुछ बनाने से कासिर है। वो ये कहते हैं क्योंकि ये इलीगल सेटलमेंट्स हैं, ना वो वहाँ बिजली फराहम करते हैं, ना वो सड़कें बनाते हैं, ना हस्पताल बनते हैं, ना पानी की फराहमी है। तो इन एरियाज़ में रहने वाली ह्यूज पॉपुलेशन जो है, बच्चे, औरतें, वो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं। उसमें एक बहुत बड़ी जो ज़रूरत है, और ख़ास तौर पे आपने अभी देखा कि कोविड के ज़माने में हमें कितना इसका अशद हमें तकलीफ़ महसूस हुई पूरे मुल्क की, ना सिर्फ हमारी बल्कि सारी दुनिया में, कि अगर हेल्थ केयर ना हो तो कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उससे आने वाली कोई भी वबा हो, पैंडमिक हो, वो और बदतर उन एरियाज़ में होता है। तो हमारे जो फाउंडर हैं डॉक्टर आसिफ इमाम हैं, जो यहाँ जो अमेरिका में बहुत साल रहे और मेडिसिन वहाँ प्रैक्टिस करते थे, उन्होंने ये वो पाकिस्तान लौटे ये जज्बा लेके कि यहाँ खिदमत करनी है लोगों की। और जो नीड उन्होंने असेस की वो ये थी कि यहाँ पर बेसिक हेल्थ अवेलेबल नहीं है। तो होता ये है कि आपके हस्पताल जो ऑलरेडी ओवरबर्डन हैं, इतनी बड़ी आबादी है, हस्पताल कम है, वहाँ हर पेशेंट, गरीब पेशेंट जो है, क्योंकि वो फ्री में होते हैं, वो पहुँच जाता है, नज़ला, खांसी, डायबिटीज़, कोई स्किन की इन्फेक्शन है, कोई वैसी इन्फेक्शन है, वो लेके पहुँच जाता है। तो हस्पताल जो हैं आपके, वो ब्रेकिंग पॉइंट पर थे और हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो 40% पेशेंट हस्पताल को जाता है, इसको हस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं, ये प्राइमरी हेल्थ केयर या फैमिली मेडिसिन का वो है, पेशेंट है। तो उन्होंने बुनियाद रखी पहली सिना क्लिनिक की, जो उन्होंने अपने और अपने कुछ दोस्तों की डोनेशन से बनाई। वहाँ से ये शुरू हुई जर्नी, और आज हम 32 लोकेशंस पे हमारी क्लिनिक्स हैं, जहाँ पे तकरीबन हमारे 100 से ज़ायद डॉक्टर हैं, माशाल्लाह। और हम इन क्लिनिक्स में, ये 32 हमारे स्टैटिक क्लिनिक्स हैं, 3 हमारे मोबाइल क्लिनिक्स हैं, और हम जो है तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा लोगों को हर साल इलाज,
ना सिर्फ डायग्नोसिस बट डायग्नोस्टिक्स, क्योंकि हमारी इन हाउस लैब है और हम टेक होम मेडिसिन भी देते हैं फॉर फ्री जी. हमने अब बहुत छोटा सा एक टोकन हमने इसलिए रखा है क्योंकि वरना होता ही था कि वर्थ और वैल्यू पता चल जी, वर्थ और वैल्यू पता चलती है, वरना ये होता था आपको पता है दवाइयाँ हम देते हैं वो बिक जाती हैं वगैरह. तो एक बहुत छोटी सी बहुत वो है और उसमें होता यह है कि बहुत से वो पेशेंट्स जो जो जिनके पास और कोई ज़रिया नहीं है उनकी जिंदगियाँ बच जाती हैं. आप कहीं पे भी बाहर डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ऐसी जो क्रॉनिक वो हैं बीमारियों के लिए लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, पाकिस्तान में हॉस्पिटल जाना पड़ता है बिकॉज उनके पास क्लिनिक्स फ्रंट लाइन पे नहीं है. 40% मेडिकल डेथ्स पाकिस्तान में जो अब होती हैं वो क्रॉनिक डिजीजेस से होती हैं. और उसमें सब क्रॉनिक कैसे हो जाता है, पहले क्यों नहीं उसको पकड़ा जाता, आप ये देखिए आपका आपका लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है ना. डायबिटीज़ जो है अब हर घर में है, हाइपरटेंशन जो है अब हर घर में, क्योंकि आपकी ग़िज़ा आपकी आपका इन्वायरमेंट ये सब कंट्रीब्यूट करता है. और क्योंकि क्योंकि वो शुरू में नहीं पकड़ा जाता, वो मैनेज नहीं होता, वो बढ़ते 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 फिर वो ये होता है कि वो अस्पतालों पे लोग पहुँचते हैं, कभी किसी का हाथ कट जाता है, किसी की आँखें चली जाती हैं, ये सब डेथ्स हो जाती हैं. 40% मेडिकल डेथ्स आपके यहाँ. अल्लाह जी, वाकई वाकई सही बात है. और इस चीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी है. और जब भी आती है डायबिटीज़ की बात तो मैं जितने भी बुज़ुर्ग अफराद मुझे देख रहे हैं मैं उनसे जो है ना गुजारिश है मेरी हाथ जोड़ के, खुदारा अगर आप डायबिटिक हैं डेली वॉक करें, अपनी दवाइयाँ खाएँ, अपने मीठे को कंट्रोल करें, क्योंकि आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं होगी, आपके जो बच्चे हैं ना, जो जिनकी ज़िंदगी आप लोगों से चल रही है, जो घर आप लोगों की वजह से जिन घरों में रौनक है, उनको आपकी बहुत ज़रूरत है और वो आपकी सेहत की, आपकी तंदुरुस्ती, आपकी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगते हैं. और यकीन करें कि जिस घर में बुज़ुर्ग ना हो वो घर बड़ा ही वीरान होता है. तो डायबिटीज़ वाले जो अफराद हैं उनको बहुत ज़्यादा यू नो उसकी ज़रूरत है, एहतियात और वो सारी चीज़ों की, मगर करते नहीं है. हाइपरटेंशन डायबिटीज़ दोनों. अच्छा, हाइपरटेंशन भी इतनी खतरनाक बीमारी है, बिकॉज देखें स्ट्रेस है ज़िंदगी में, हर आदमी की ज़िंदगी में. हाइपरटेंशन तो आजकल जवानों को भी हुई है. और आपके यहाँ अगर 55 से पहले 50 से इस तरफ अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक हो जाए उसमें बचने की जो इम्कान होते हैं वर्चुअली नथिंग होते हैं, नथिंग होते हैं. और आप यकीन करें क़यामत की भी निशानी है. मैं पूछूंगी कि क़यामत से पहले जो है वो वबा की तरह दिल के अमराज होंगे ना. और वाकई आप यकीन करें कि 30-30 साल की उम्र के लड़के, 25-25 साल की उम्र के लड़के, क्या पता चला भाई नमाज पढ़ने गया था गाड़ी में हार्ट फेल हो गया. जी हाँ बिल्कुल. तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ आम हो गई है. क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकती हूँ हाइपरटेंशन के हवाले से, कुछ बता सकती हैं आप? देखिए हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज, ब्लड कैसे होती है बताइए. हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो बेसिकली हाइपरटेंशन जो होती है या तो हेरिडिटरी होती है या आपको वक्त के साथ आपकी अपनी हैबिट्स की वजह से हो जाती है. आपको पल्पिटेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ऑल ऑफ देम कॉन्ट्रीब्यूट टू हाइपरटेंशन. ये हाइपरटेंशन की वजूहात होती हैं. बहुत से लोगों को तो उनको हेरिडिटरी होती है. अच्छा, कोलेस्ट्रॉल की भी इसमें प्रॉब्लम होती है? हाइपरटेंशन कोलेस्ट्रॉल से होती है ना. हार्ट डिजीज सारी के ये वजूहात हैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, लो कोलेस्ट्रॉल. अब देखें ये बातें मुझे नहीं पता तो ये उस आवाम को क्या पता होगी जिनके लिए आप काम करती हैं, इनको तो आप अवेयरनेस देते होंगे फिर उनको सारी मदद वगैरह करते होंगे. अच्छा, छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आएंगे और मजीद जानेंगे सिना हेल्थ केयर ट्रस्ट के हवाले से और ये भी जानेंगे कि हमें इनकी मदद किस तरह करनी है. वापस आते हैं बरकत रमजान में. जनाब एक नेकी जारी है सिना हेल्थ केयर ट्रस्ट से. अमरीन मेरे साथ मौजूद हैं और अमरीन मुझे ये बताइएगा कि आपने ब्रेक पे जाने से पहले अपने मोबाइल क्लिनिक के बारे में बात की थी, उस हवाले से ज़रा बताइएगा. आपके यहाँ कराची शहर इतना फैल गया है कि हर जगह जो है एक स्टैटिक क्लिनिक या एक क्लिनिक बनाना बहुत दफ़ा मुश्किल भी होता है और आबादी इतनी बड़ी नहीं होती कि हम उसको जस्टिफाई करें. तो हमारी जो मोबाइल क्लिनिक्स हैं वो ऐसी ऐसी जगह जाती हैं जैसे मुबारक विलेज है या कोंकर है, ये भी खासी बड़ी आबादीज़ हैं, 20-25 हज़ार आदमियों की आबादी है. तो क्लिनिक वहाँ, हमारी मोबाइल क्लिनिक वहाँ जाती है, उसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, फिलोबॉटमिस्ट सब जाते हैं और वो वहाँ सेटअप करते हैं. 3 दफ़ा हफ्ते में जाके वो वहाँ सेटअप करते हैं और उन 3 दिन हफ्ते में वहाँ की आबादी की खिदमत करते हैं.
ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल, बेहतरीन। अच्छा, ख़वातीन जो आती हैं अमूमन क्या मसाइल लेकर आती हैं? देखिए जी, हम ज़्यादातर, हमारा जो पेशेंट आता है वो ख़वातीन और बच्चे ही आते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेगमेंट वो है। और उसमें जो प्रॉब्लम्स हैं, फिजियोलॉजिकल तो है ही हैं, साइकोलॉजिकल अब हम देखते हैं बहुत प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि छोटे छोटे घरों में रहते हैं लोग, बहुत बहुत दफ़ा ये होता है कि मुफलिसी, तशद्दुद, परेशानी, तो बहुत सी बीमारियां, तो बिकॉज आप परेशान हैं आपका जहन भी तो क्रिएट कर देता है। हम सिना जो है अमंग द फर्स्ट कम्युनिटी हेल्थ कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर है जो मेंटल हेल्थ अब वहाँ उस लेवल तक प्रोवाइड कर रहा है जिस लेवल पे हम काम कर रहे हैं, यानी कम्युनिटी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं दुआ, वी आर दी ओनली वंस जिनके पास, आपने आगा खान में जैसे देखा होगा कि जब डॉक्टर आप जाती हैं, डॉक्टर जो होता है वो सारा कुछ कंप्यूटर पे कर रहा होता है, एंटर कर रहा होता है, हमारे भी क्लिनिक्स में, हमारे तकरीबन 32 क्लिनिक्स में से 19 या 20 क्लिनिक्स अब फुली डिजिटाइज हैं, जहाँ डॉक्टर्स के पास, एक तो हम प्रोटोकॉल बेस्ड सिस्टम पर काम करते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मेडिकल रिकॉर्ड सिस्टम है, तो हमारे जितने भी डॉक्टर्स हैं वो टैबलेट्स पे काम कर रहे होते हैं। उससे होता ये कि हमारे पास तमाम डेटा आ रहा होता है कि क्या डिज़ीज़ ट्रेंड है, और जब पेशेंट दोबारा आता है, जैसे आप जाती हैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में, आज पेशेंट गया, उसको डॉक्टर ने देखा, डेढ़ दो मिनट में देखा, पूछा, पर्ची बना के दे दी। अब जब वो नेक्स्ट टाइम पेशेंट जाएगा, ना कोई उसका रिकॉर्ड है, ना वो वही डॉक्टर है, ना कोई उसकी मेडिकल हिस्ट्री ली गई। हमारे पास पेशेंट की साल हर साल की मेडिकल हिस्ट्री होती है, तो हम उसको जो है प्रोग्रेसिवली ट्रीट करते रहते हैं। Beautiful. तो बहुत दफ़ा ये होता है कि लड़की हमारे पास आती है जब 14-15 साल की होती है, फिर वो जब शादी होती है, जब वो खुद माँ बनती है, वो एज अ प्रेगनेंट वो आती है, फिर माँ बन के आती है, फिर वो बच्चे लेके आती है। सो तो इट्स हम कम्युनिटी का हिस्सा हैं, और इसी तरह फैमिलीज हमारे साथ जुड़ गई हैं, और हम गवर्नमेंट के साथ भी बहुत काम करते हैं। गवर्नमेंट के साथ क्या काम करते हैं? देखिए, वही मैं आपको बता रही थी ना कि कच्ची आबादियों में गवर्नमेंट अपना तो लगा सेटअप नहीं कर सकती। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन एक प्रोग्राम किया है EPI के नाम से, और उनके जो उनके वर्कर्स जो हैं वो जाके इंजेक्शन लगाते हैं हमारे बच्चों को, तो उनको भी जगह हम फ्राहम कर। ज़बरदस्त। मुझे ये बताइएगा कि इस कार्यक्रम में हम आगे बढ़ के किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं, सबकी मदद कर सकते हैं एक्चुअली कम्युनिटी की? जी, एक तो ऑफ़ कोर्स ज़कात, फितरा, सदक़ा, जो भी लोग इंडिविजुअल डोनेट करें, मगर हमारी रिक्वेस्ट होती है कॉपरेशन से, कॉपरेट से, कि अगर वो हमारी हेल्प करें, ख़ासतौर पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, क्योंकि दवाएं जो हम लोगों को देते हैं वो दवा अक्सर हमारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। एक इंसुलिन की जो अब एक वायल ऑफ इंसुलिन है वो 780 रुपये की है, और उसको ना, वो ना मिलने की वजह से लोगों के डेथ्स हो जाती है। यानी तकरीबन 1000 रुपए दिन का खर्चा, 30,000 एक नॉर्मल बंदा कहाँ से लाएगा, जो बेचारे की सैलरी 30,000 होगी। एक वायल 3-4 दिन तो चलती है, मगर फिर भी 15,000 भी, देखिए ना सैलरी स्केल ही कितना है पाकिस्तान में। जी एग्जैक्ट, 30,000 एक बंदा अगर कमाता है, 15 वो माँ की दवाइयाँ ले आए जिसमें सिर्फ इंसुलिन आ रही है, तो आप बताएं exactly. कहाँ से घर का किराया देगा exactly. और कहाँ से खुराक अच्छी देगा, खुराक अच्छी कहाँ से देगा। वाकई हम लोग को रमज़ान के महीने में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग आगे बढ़ के इन इदारों की मदद करें, ताकि ये मज़ीद आगे इंसानियत की मदद कर सकें। अमरीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला सिना हेल्थ केयर ट्रस्ट को मज़ीद आगे लेके जाए, तरक्कियाँ दे, ताकि अल्लाह ताला की मखलूक इससे फ़ायदा हासिल कर सके। छोटी सी ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएँगे बरकत रमज़ान में। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हम खुश आमदीद कहते हैं फ़ायज़ा कामरान को। अस्सलाम वालेकुम, सलमान आलम साहब भी आ चुके हैं, और हमारे प्यारे मुफ्ती ज़ुल्फ़िकार शाह गिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसी तबीयत है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती साहब, आज बात हो रही है उम्मातुल मोमिनीन के हवाले से, तो मैं आपसे ये सवाल करूँगी कि नबी करीम किस तरह देखते थे अपनी अज़वाज मुतहरात को और हमारी उम्मातुल मोमिनीन को, ज़रा इरशाद फरमा दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ली खमसतुन नुतफी बिहा हर्रल वबा अल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वस सय्यदा।
सबसे पहले तो मैं आपको और आपकी पूरी टीम को इस बात पर सद मुबारकबाद पेश करूंगा कि आपने उम्मत की माओ के तज़किरे के लिए आज इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और फिर उसके बाद एक आज आलम इस्लाम पर एक आज गम की कैफियत भी है कि मेरे मौला कायनात मौला अली करम अल्लाह तआला वजल करीम की शब ज़रबत जो गुज़िश्ता शुरू हो चुकी है, वो गुज़री अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज सहरी में मैंने और मेरे बच्चों ने हुज़ूर मौला मुर्तज़ा करम अल्लाह तआला वजल करीम की बारगाह में नजराना भी पेश किया इसाले सवाब की सूरत में। ये बताने का मकसद ये है कि लोग भी इस तरफ माइल हों, इस तरफ रागिब हों। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में जो खातून आ गई, आप अलैहिस्सलाम ने जिस खातून से निकाह मुबारक फरमा लिया, उस औरत के लिए अल्लाह जल्ला मजदूल करीम की किताब का कुरान मजीद का हुक्म यह है। सूरह अहज़ाब में अल्लाह जल्ला मजदूल करीम इरशाद फरमाता है, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहू उम्महातुहुम, के मोमिन नबी मोमिनीन की जान से भी ज़्यादा उनसे करीब है, और नबी की जो भी जोजा है वो मोमिनीन की माँ है, माँ है। इसी वजह से अजवाज मुताहरात को उम्महातुल मोमिनीन कहा जाता है, और इनको मुताहरात इस वजह से कहा जाता है कि हमारे यहाँ जो आयत ततहीर का जो मदलूल है वो अजवाज मुताहरात भी हैं। अच्छा, यानी आयत ततहीर का जो मिसदाक है वो पंचतन पाक, यानी वो चार तन पाक, पंचतन तो खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम हो गए और अजवाज मुताहरात भी उसमें दाखिल हो गए, तो इस वजह से इनको अजवाज मुताहरात कहा जाता है। रही ये बात कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम अजवाज मुताहरात को किस निगाह से देखते थे, मैं सिर्फ यहाँ पर एक हदीस अर्ज कर दूँ कि नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे कि मुझे तुम्हारी दुनिया में सिर्फ दो चीज़ें अच्छी लगी हैं, एक खुशबू और एक औरत। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते थे। तो एक फितरी अमल है कि मर्द को औरत से और औरत को मर्द से उनसियत होती है, और इसमें कोई शरई तौर पर कबाहत भी नहीं है, क्योंकि कुरान मजीद अल फुरकान अल हमीद ने बबांगे दौल ये फैसला दिया है, हुन लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, कि तुम जो मियाँ बीवी हो तुम्हारा एक मुकद्दस रिश्ता है, इसके मुकद्दस इसकी तकदीस को पामाल ना करो। हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो ज़ौजाएं कि आप आखिरी उम्र तक सैयदा खदीजतुल कुबरा की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते थे, और सैयदा आयशा कहती कि मैं अक्सर पूछा करती थी कि आप, यहाँ तक कि सिर्फ उनकी तरफ से नहीं कुर्बानी फरमाते थे बल्कि उनकी जो सहेलियाँ थी उनके लिए भी गोश्त भेजा करते थे कुर्बानी का, और फरमाते थे सैयदा आयशा पूछती थी तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे कि आयशा खदीजा ने उस वक्त मेरा साथ दिया जिस वक्त मेरा साथ देने वाला कोई भी नहीं था। और फिर इन तमाम अजवाज मुताहरात में एक जोजा मुताहरा वो भी हैं जिनका नाम ज़ैनब है, ज़ैनब बिनते जहाज। अच्छा, ये हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद से थी। माशा, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 6 बांदियाँ, उस वक्त बांदियों का दौर था, 6 बांदियाँ देकर इनसे निकाह फरमाया था, और नबी पाक अलैहिस्सलाम इनसे भी बड़ी उनसियत फरमाया करते थे, यानी चलते चलते इनसे निकाह हुआ, और चलते चलते ही आप अलैहिस्सलाम ने वलीमा किया, खाना खिलाया, और आप अलैहिस्सलाम जो है इनके साथ एतिकाफ में, रिवायात में आता है कि एतिकाफ में इनके साथ बैठकर राजो न्याज की बातें भी किया। अच्छा, करते थे। हजरत ज़ैनब बिनते जहाश रदियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो ज़ौजा थी। और उसके बाद आ जाइए मशहूर जो अजवाज है, मैं उनका तज़किरा कर रहा हूँ। वैसे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 11 निकाह फरमाए हैं, और उनमें से आप अलैहिस्सलाम का जिस वक्त विसाल हुआ तो 9 निकाह आप अलैहिस्सलाम की 9 अजवाज उस वक्त हयात थी। सबसे आखिर में हज़रत सैयदा उम्मे सलमा का विसाल हुआ है। और यहाँ पर एक आपको ये भी मैं आपको पते की बात बता दूँ, सबसे बड़ी उम्र की जो जोजा है वो उम्मे सलमा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने वो जो जिब्रील अमीन मट्टी लेकर आए थे करबला से, वो सैयदा आयशा को नहीं दी, हज़रत ज़ैनब को नहीं दी, किसी और अजवाज मुताहरात में से किसी और को नहीं दी, सबसे बड़ी उम्र की जो जोजा थी उनको दी, हज़रत उम्मे सलमा को दी, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम जानते थे अगरचे उम्र इनकी बड़ी है ये उस वक्त हयात होंगी। तो ये वही उम्मे सलमा है जिन्होंने, देखिए ना, आले बहते अतहार के घराने के अफराद की अमानतों को संभालने वाली भी अजवाज मुताहरात हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जब मेरी अम्मा पाक सैयदा खातून जन्नत का निकाह होता है तो सैयदा खातून जन्नत के घर पे, वो पुराने ज़माने में शायद पता नहीं आपको याद होना हो, आपा को कुछ याद होगा, शायद आपने देखा होगा वीडियोज़ वगैरह में, वो लेपते थे घरों को,
मट्टी से, एक मखसूस किस्म की मट्टी होती है उससे लेपते थे, चिकनी मट्टी जिसको कहते हैं, और हमारे यहाँ उसको लसनी मट्टी कहते हैं, लस मट्टी। तो अजवाज मुतारात खुद हज़रत सैयदा आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत ज़ैनब बिनते जहाश, ये सब मिलकर सैयदा खातून जन्नत का घर सजाने के लिए गए। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, एक और अच्छा सॉरी सॉरी जी आप बोले आप बोले। वो मुझे बात एक याद आ गई माजरत के मुए मुबारक भी जो था वो आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाबे सलमा के पास हुआ करता था, और वो लोग आया करते थे और शिफा पाने के लिए, बड़ी बड़ी बीमारियों से शिफा पाने के लिए जनाबे उम्मे सलमा जो थी वो पानी गुजार देती थी, हाँ, और उससे बड़े बड़े लोग शिफा याब होते थे, बताइएगा। जी हाँ जी, हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला और सलामुल्लाही अलैहा, चूँकि नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हैं तो मैं इसलिए इनके लिए सलामुल्लाही अलैहा का भी अल्फाज इस्तेमाल लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इनके पास नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक में से एक मुँह मुबारक था। अच्छा, मुँह मुबारक कहते हैं जुल्फ़ को, बाल को, ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। वो एक मुँह मुबारक में से एक मुँह मुबारक था, और इसी तरह अगर आप देखें ना तो जितनी अजवाज मुतारात थी उन सब के पास नबी पाक अलैहिस्सलाम का पसीना मुबारक था। वो मुश्किल वक्त में क्या करती थी, जैसे कहीं जाना होता था, मुश्किल वक्त से मुराद ये कि किसी तकरीब वगैरह में जाना होता था ख़वातीन की तकरीब में, तो वो खुशबू वो लगा के जाया करती थी, तो पूरे मदीने के लोग पूछते थे कि ये इतनी महंगी खुशबू कहाँ से लाए, और वो पूरे मदीने में वो खुशबू ढूंढा करते थे लोग कि ये खुशबू कहाँ से आएगी। तो अज़वाज मुतारात यही जवाब देती थी कि ये खुशबू तुम्हें कहीं से नहीं मिलेगी, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक पसीने की खुशबू है। बिल्कुल, और मुफ्ती साहब ये भी फरमाइएगा कि कभी कभी मुँह मुबारक से पानी नहीं गुजारती थी लोगों को शिफा के लिए, जो जिस धात में मुँह मुबारक रखा हुआ था उस धात से ही पानी गुजार देती थी ना, लोग उससे भी शिफा याब हो जाते थे। एक वो छोटी सी बॉक्स थी, हाँ, उस बॉक्स को ही जो है ना वो पानी के अंदर ऐसे घुमा के वो दे देती थी, उससे भी शिफा याब हो जाती। बिल्कुल, मैं आपको अपनी जिंदगी का यहाँ पर सिर्फ एक अर्ज कर दूं कि मुझे चंबल का आपने नाम सुना होगा, एक्जिमा जिसको कहते हैं, मुझे यहाँ पर एक्जिमा हो गया, मैंने बहुत इलाज 8 साल इलाज कराया, मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, 8 साल इलाज कराया, 8 साल के इलाज के बावजूद मैं ठीक नहीं हुआ। 12 रबीउल अव्वल की रात को नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुँह मुबारक को गुस्ल दिया जा रहा था, तो उसका जो पानी थोड़ा सा मैंने लिया, और लेकर जब मैं यहाँ लगाने लगा तो मैंने सोचा कि मेरा वजूद तो गंदा है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुंह मुबारक का गसाला है, मैं इसको अपने गंदे वजूद पर कैसे लगाऊं। अच्छा, मैंने उसको अपने हाथ पर नहीं लगाया, वो ये पूरा मेरा बाजू भर गया था एक्जिमा से, मैंने उसको पी लिया, इस नीयत से पी लिया कि अल्लाह जल्ला मजदुल करीम इससे मुझे शिफा अता फरमाएगा, और वो जो जिस डिबिया में था ना वो डिबिया में अपने जख्म के ऊपर घुमाता था, ये मैं रोजे की हालत में हूँ, वल्लाहिल अज़ीम अल्लाह ताला ने मुझे उससे शिफा दी। तो अब आप ये देखिए कि वो एक चीज़ जो नबी पाक अलैहिस्सलाम से मस हो गई, अल्लाह ताला ने उसमें इतनी बरकतें रखी हैं, जो बात मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, तो वो अज़वाज मुतहरात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के हरम में रहे हैं, उनकी अज़वाज, उनकी ज़ातों में अल्लाह ताला ने कितनी बरकतें रखी होंगी। और इन अज़वाज में से एक ज़ौजा वो भी हैं जिनके हुजरे में आज भी नबी पाक अलैहिस्सलाम आराम फरमाए, और जिनके हुजरे में कुरान नाजिल होता था, दीगर अजवाज के हुजरों में कुरान नाजिल नहीं होता था, कि अगर वही भी आती थी तो वो सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में आया करती थी। और आप ये भी देखिए कि सैयदा आयशा सिद्दीका उम्मत की सबसे बड़ी फ़कीहा हैं, सबसे बड़ी मुजतहिदा हैं, आप सहाबा किराम कहते हैं कि जो मसला में समझ नहीं आता था वो हम पर्दे में जाकर सैयदा आयशा सिद्दीका से पूछा करते थे, और अगर हम पर्दे में जाकर नहीं पूछ सकते थे तो आपके जो भांजे थे हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर बिन अलवाम उनको भेज कर हम मसले पूछा करते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की, यहाँ तक के नबी पाक अलैहिस्सलाम हज़रत सैयदा आयशा को कहा करते थे कि आयशा तू मेरी हुमैरा है। हुमैरा मतलब? हुमैरा कहते हैं लाल रंग की गुड़िया को। अल्लाह अकबर। अब आप देखिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अजवाज से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे मुआशरे में अगर आज कोई शोहर अपनी बीवी को इस तरह का कोई लफ्ज कह दे जिससे मोहब्बत का इजहार होता नहीं, पहले तो मर्दानगी पे एक वो आ जाएगा ना सवालिया निशान, नहीं हाँ। मैं चौधरी हूँ। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अभी बहुत सारे सवाल मेरे जहन में और बहुत कुछ सीखना है हमने अपने उलमाए कराम से। वापस आते हैं बरकत रमजान में। मेरे दिल में मेरे दिल में है याद है मोहम्मद।
गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, तो कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, मैं गुलाम सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मिधते मुस्तफा की बदौलत आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, और हर खता पर मेरी चश्म पोशी, हर खता पर मेरी चश्म पोशी, हर तलब पर अता की बारिश, हर तलब पर अता की बारिश, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मुझ गुनाहगार पर किस कदर है, मेहरबान ताजदार मदीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, और दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया मदीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदार करम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरी बचपन से फेवरेट वाली नातों में से ये एक नात है ना, और ये सुन के मुझे लगता है सारी नातें सुन के इंसान का दिल जो है वो बिल्कुल मदीना पहुंच जाता है ना, ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया फ़ायज़ा। अच्छा आपा, मैं आपसे ये पूछूंगी कि आज सारी दुनिया में ये तासर दिया जा रहा है कि मज़हब इस्लाम जो है वो औरत की तरक्की के ख़िलाफ़ है, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ कि इस्लाम ने औरत का मैदान अमल कुछ और करार दिया है, मर्द का मैदान अमल कुछ और करार दिया है, और दोनों मिलकर जब अपने अपने मैदान अमल में अपनी अपनी तमाम तर सलाहियतों को सर्फ करेंगे तो उसके नतीजे में, क्योंकि इनके इतिसाल से बाहमी एक घर बनता है, एक ज़िंदगी बनती है, एक फैमिली लाइफ बनती है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक आइडियल फैमिली लाइफ बनती है। तो औरत की तरक्की में इस्लाम कहीं से भी रुकावट नहीं है, औरत के ना आगे बढ़ने पर पाबंदी है, औरत के ना पढ़ने पर पाबंदी है, लेकिन
चादर और चार दीवारी के अंदर अपने वाजिबात पर अमल करते हुए औरत अपने लिए कसब माश भी कर सकती है, औरत अपने लिए तालीम भी हासिल कर सकती है, औरत को हर तरीक़े से इस्लाम ने भी हुकूक़ दिया, सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हुकूक़ दिए, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उस आज़ादी का, उन राइट्स का औरत गलत फ़ायदा उठा ले। आप एक और बात ही बताइएगा कि जैसे कि शो के शुरुआत में मैंने आपसे जिक्र किया था बीबी खदीजतुल कुबरा के हवाले से कि वो बेहतरीन कारोबार कर देती हैं और सारी चीज़ें, तो ये ज़रूर सब ख़वातीन को बताइएगा कि जो भी औरत कमाती है वो अगर हम बीबी खदीजा से सीखें तो हम ये सीखते हैं कि उन्होंने अपने मुआश का जो खर्च करने का सिलसिला था और मुआश के फैसलों का हक उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया। तो आज औरत जो वुमेन एम्पावरमेंट को किसी और ही ज़ुमरे में ले गई हैं, उनको भी ये चीज़ समझना चाहिए कि हम अपने मुआश का खर्च करने का और फाइनेंसिस को समेटने का, सही ठिकाने लगाने का हक जो है वो हमें भी अपने शौहरों को देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जो मुकाबिल फरीक है उसके अंदर सलाहियतें कितनी हैं। सलाहियतें अगर उसकी सलाहियतें, मर्द की सलाहियतें कम हैं, औरत की सलाहियतें ज़्यादा हैं, तो औरत को अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर मर्द उससे ज़्यादा ज़हानत में, ज़कावत में, लियाकत में आगे है, तो कुरान का भी ये फैसला है कि मर्द जो है वो औरत के ऊपर हाकिम करार दिया गया और मर्द को वली करार दिया गया। तो जब इस हवाले से भी आगे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। तो जब हम ये बात मैं अर्ज़ करना चाहती हूँ कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा से दौलत मांगी नहीं थी, बिल्कुल, पर भी हमें ये रिवायत ऐसी नहीं मिलती। हाँ, उम्मुल मोमिनीन ने सिर्फ अपने सरताज की मुस्कुराहट के लिए कि जबीन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई शिकन ना आने पाए, उम्मुल मोमिनीन ने अपनी तमाम दौलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिबा कर दी थी और बकाए इस्लाम, इशात इस्लाम और तहफ़ुज़े इस्लाम के लिए उस दौलत को बेदरिया खर्च किया गया और उम्मुल मोमिनीन की पूरी इजाज़त थी उसके ऊपर और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितना आसान हो गया था कि वो ग़ुलामों को ख़रीदते थे और ग़ुलामों को आज़ाद किया जाता था और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो गई थी उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा की दौलत। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात करूँगा, जैसे दुआ ने कहा कि औरत को हक देना चाहिए, यहाँ पर एक शरई मसला जो आपने अभी बयान किया कि नबी पाक अली सलातु वसलाम ने मांगा नहीं, इसका मतलब ये है कि शरई मसला यही है और मसला यही है कि मर्द औरत पर हाकिम जरूर है लेकिन औरत की मिल्कियत में जो चीज है उसका चौधरी नहीं है। मसलन अगर औरत किसी सोने की मालिक है या चांदी की मालिक है या किसी जमीन की मालिक है, तो हमारे यहां मर्द क्या समझते हैं कि बस जैसे मैं बोलूंगा वैसे ही होगा, ये मेरे कहे बगैर कुछ भी नहीं कर सकती। शरा ने आपको इस चीज का इख्तियार नहीं दिया है कि आप उसकी मिल्कियत पर कब्जा करो, उसकी मिल्कियत पर कब्जा करने का इख्तियार नहीं है आपको। अगर औरत आपको खुशी से देगी अपनी मिल्कियत, अच्छा इसी तरह फिर क्या होता है कि आप उसको औरत को सोना पहनाते हो, सोना देते हो और फिर बाद में उससे ले लेते हो, नहीं, शरीयत मुतारा का ये हुक्म नहीं है। आपने उसको गिफ्ट दे दिया, वो मालिक बन गई, अब उसके बाद आप उससे नहीं ले सकते जी। अच्छा, मुझे यकीन करें कि इतना मजा आ रहा है ना ये रमजान ट्रांसमिशन करते हुए, खुदा की कसम खाती हूँ जब मैं सुन रही होती हूँ मुफ्ती साहब की और सरवत आपा की बातें, तो मैं बकायदा ना स्टूडेंट की तरह ऐसे हैंड्स अप करती हूँ कि मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। और सारी बातें मेरे सलमान अभी वही गुफ्तगू कर रहे थे कि जहन नशीन हो जाती हैं और मैं खुद एज अ स्टूडेंट सारी चीज़ें सीख रही हूँ। भाई अगर मुझसे खताएं बीच में बहुत हुई होंगी और आगे भी इंसान होंगी तो माफ़ करिएगा, मैं खुद यहाँ इसी नीयत से बैठी हूँ कि मैं अपने उलमा कराम से सीखूँ। ये बात मैंने पहले तलबाए इल्म है और हम सब यहाँ एक दूसरे से सीख रहे हैं, बिल्कुल, मैंने पहले शो में बिल्कुल। अच्छा मुफ्ती साहब एक और बात ही बताइएगा कि अक्सर हम ये सुनते कि मैंने इजाजत दी है तो ये मेरी बीवी जो है वो काम कर रही है तो वो मलकियत लिहाजा मेरी हुई, मेरी इजाजत ना होती तो ना होता। चौधरी सिस्टर नहीं ऐसा है ना, ये बात तो वही है ना कि जो चीज उसकी मलकियत में आ गई ना, आपने इजाजत दी है, इसका मतलब ये कि आप शरा को अपनी मर्जी से चला रहे हैं, शरा की मर्जी पर आप नहीं चल रहे। जब औरत काम कर सकती है नहीं, अब ये एक अलहदा बात है कि औरत बअमरे मजबूरी काम कर सकती है, मजबूरी बअमरे मजबूरी, वो भी उस तरीके से जो तरीके शरीयत मुतारा ने उसको जिन तरीकों से इजाजत दी है उन तरीकों से कर सकती है। अब उन तरीकों से काम करने के बाद इसकी जो खून पसीने की कमाई है, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, जो खून पसीने की शौहर की कमाई है
उस पर औरत चौधराहट नहीं जमा सकती। शौहर के जहन में ये होता है क्योंकि मैं इसका मालिक हूँ, ये मेरी खून पसीने की कमाई है। तो इसी तरह औरत की भी तो खून पसीने की कमाई है ना, वो भी तो उसकी मालिक है ना। आप उसके हाकिम जरूर है लेकिन उसकी चीजों के मालिक नहीं है। बिल्कुल। अगर वो आपको हुजूर सैयदतुना खदीजतुल कुबरा मलिकतुल अरब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा, हम सब मोमिनों की माँ, हमारे माँ बाप उन पर कुर्बान, उनका वाला किरदार अगर आपके अंदर है और आप अपना सब कुछ अपने शौहर पर कुर्बान करना जानती हैं तो फिर तो ठीक है। अगर आपकी बीवी आपको देती है और अल्लाह अजर दे, अगर आपकी बीवी आपको देती तो फिर तो ठीक है, लेकिन आप उससे जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा बिल्कुल। और ब्रेक के दरमियान सलमान साहब का एक सवाल था जो मैं ब्रेक से वापस आके करूंगी। सलमान की बीवी जरा लगा लें, टीवी ऑन कर लें। वापस आते हैं बरकत रमजान में। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे डूबे ना
बरकत रमजान में हम वापस आ चुके हैं और शुरू हो गया है इफ्तार मजेदार। हाँ, गॉसिप हो गई हमारी, अब हम वापस जाएंगे खाने की तरफ। आज क्या बना रही हैं शेफ समरीन? आज हम बना रहे हैं रबड़ी पार्सल्स। रबड़ी पार्सल्स, और ये जो आपने फूलों की पत्तियों का इस्तेमाल किया है और ये जो यहाँ पे मोतियों का इस्तेमाल किया है, ये क्या इसमें आप प्रेजेंट करने वाली हैं? जी बिल्कुल, प्रेजेंटेशन इस तरह, एक तो अगर हम घर में सर्व कर रहे हैं तो उसके लिए आपको बताया है कि आप इस तरह से सर्व कर सकते हैं गुलाब की पत्तियों के साथ, क्योंकि जब हम मीठे की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होती हैं एडिबल, और जब हम मीठे की बात करते हैं तो उसमें गुलाब का जिक्र ज़रूर आता है। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि अगर आप, क्योंकि अब आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, बहुत सारी बच्चियाँ हैं जिनकी इंगेजमेंट्स हुई भी होती हैं, उनकी ईदी जा रही होती है, तो यही रबड़ी पार्सल्स अगर बहुत आसान है, अगर बच्चियाँ बनाकर छोटी सी डिश में, देखिए ये मैंने बनाई है एक प्लेट, जो आपके डिनर सेट की प्लेट होता है ना कि ख़राब हो जाती है, चिप हो जाती है, और इससे तो निकाह होता है। जी ये भी मैंने हो चुका है, मैं छोड़ रही हूँ। तो ये मैंने क्या किया है, देखें सिल्वर पेपर होता है ना, फॉइल जो होता है वो मैंने कवर किया पुरानी प्लेट पर, देखिए पीछे से ये देखें क्रैक हुई है। कितना आसान है, दुपट्टे हमारे पास इजीली अवेलेबल होते हैं से, घर में ये चीजें भी आराम से अवेलेबल होती हैं, बच्चों वाले घर में तो बहुत ज्यादा अवेलेबल होती है, इनके बच्चों को बड़ा शौक होता है ना ऐसी चीजें कलेक्ट करने का। और ये सादा सा पेन होगा जिसके ऊपर आपने मोती लपेट दी, बिल्कुल कर सकते हैं। मोती का मैंने इसलिए पेन का भी बता दिया क्योंकि साथ साथ अगर लोग इस डिश को निकाह के तौर पर भी यूज करना चाहें, निकाह के डिश के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बिल्कुल जी रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। रेसिपी के लिए हमने क्या किया, हमने ली है तकरीबन आधा किलो रबड़ी ली है, ठीक है जी रबड़ी। अच्छा इसमें से हम ये करेंगे कि वैसे तो ये काफी थिक होती है लेकिन थोड़ा सा देखिए जूसी होती है ना साइड में, गुना मिलता है अगर रोजेदार को हम मतलब ऐसी चीजें दिखाएं और तरसाएं, गुना है इसका? इसमें नियत पर मुनहसर होता है, अगर आपकी नियत ऐसी है कि आप ये सोचें कि इससे इसका रोजा खराब हो जी, या ये रोजा रखने से इसकी नियत खराब हो, रोजों से बाज आ जाए, तो उस वक्त गुनाह होता है, क्योंकि आपका एक प्रोफेशन है जी, तो इस सिलसिले में गुनाह का कौन नहीं किया जा सकता। सही, सही। बिल्कुल। अच्छा जी आधा किलो रबड़ी है हमारी, आधा किलो रबड़ी में हमने एक कप डेसिकेटेड कोकोनट डाला है इसमें। मैं लाऊंगी, प्लीज आइए, ये मुझे करने दे, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए, इधर 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 ही, इधर ही खड़ी होंगी आप, एक्साइटेड हो गई दुआ, बिल्कुल मिक्स करें इसको। और जब कहते हैं तुम किचन सेगमेंट में इतनी एक्साइटेड क्यों होती हो, और मुझे खुशी होती है दुआ आपके एक्साइटमेंट। ये वो वाहिद किचन है जहाँ खाना मैं नहीं बना रही होती, वरना मेरे बच्चों ने इतनी रोटियां बिलवाई है ना मुझसे। अच्छा जी हमने इसमें कोकोनट डाला, हाँ। उसके साथ हम डालेंगे चॉप्ड बादाम है तकरीबन 15-20 बादाम, 15 से 20 जो है वो पिस्ते डालेंगे हम इसमें। बादाम पिस्ते बड़े महंगे हो गए हैं भाई, बहुत। मैंने सुना था ईरान जाओ तो बादाम पिस्ते लेकर आओ, वहां भी वही रेट था, फायदा क्या हुआ, हर जगह हर चीज़ मिल जाती है, मैं तो इस चीज़ पे वो नहीं कहती। हाँ कहीं की कोई सौगात है तो वो आप ले आइए, हाँ। है ना ऐसा होता है। सलमान साहब मैं कफायत शुआर हूँ इसलिए मैंने ये बात की, आप जो मुस्कुरा रहे हैं ना मुफ्ती साहब, आप ये भी बताइए क्योंकि इस दवाजी जिंदगी के बारे में बात हो रही है, तो ये भी बताइए कि क्या मियां के पैसे बचाना भी सवाब है मुफ्ती साहब, सलमान को बताएं आप ये बात। हाँ अगर अच्छी नीयत से करती है तो सवाब है बिल्कुल, शोहर का खुद कफील बीवी जो है वो बाय से सवाब है। देखिए देखिए कितनी अच्छी बात है, खुला खर्च करे उस पे मुफ्ती साहब। हाँ खुला खर्च करे वो भी सवाब है, औलाद पर जितना खर्च किया जाए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस पर तो जन्नत की बशारत अता फरमाई है। अगर सवाब की नियत से औलाद के लिए खर्च किया जाए, बल्कि वो आदमी जो रात रिस्के हलाल की तलाश में सोचते हुए गुजारे कि सुबह मुझे रिस्के हलाल कमाना है, तो नबी पाक अली सलाम ने इरशाद फरमाया ऐसा आदमी मुजाहिद है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, जबरदस्त, सुभान अल्लाह। छोटी छोटी बातें बिल्कुल, हम लोग को अगर हम अपने जहन में रखें तो हमारी नियतें भी बड़ी क्लियर और साफ हो जाएं। बेशक। अच्छा हमने इसमें डाले पिस्ते, बादाम, डेसिकेटेड कोकोनट। अच्छा कोकोनट डालने की खास वजह है दुआ, एक तो ये कि रबड़ी काफी एक्सपेंसिव होती है, आप कोकोनट डालेंगे तो इसकी क्वान्टिटी बढ़ जाएगी, प्लस ये कि जो नमकीन चीज़ों में ब्रेड क्रम काम करता है ना वही डेसिकेटेड कोकोनट मीठी चीज़ों में करता है, एक्स्ट्रा जो इसमें मॉइस्चर है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है जी। उसके साथ हमने डाली है किशमिश, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून किशमिश डाली है, इलायची मैंने कूट के रखी है, जिन लोगों को साबुत दाने पसंद है वो दाने भी डाल सकते हैं। ये इलायची का पाउडर क्यों नहीं डाला मैंने, इलायची जब मुंह में आती है समझी देखा मुझे यही, मैंने इसीलिए पूछा, यही बता रही थी कि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं होती, आप उनमें से हैं। अच्छा अच्छा मैंने इसको कूटा है मोटा मोटा, ठीक है, हाँ। बहुत से लोग दाने भी डाल सकते हैं, और अगर आप जैसे लोग हैं जिन्हें नहीं पसंद वो पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। इलायची के बगैर कोई कोई मीठा मीठा नहीं बन सकता,
इलायची और एक वो नहीं होता सिनेमन कहते हैं अंग्रेजी में, दालचीनी। अच्छा अगर हम मीठे की बात करें और मिल्क पैक का नाम ना आए ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो हम इसमें डालेंगे मिल्क पैक की क्रीम। और मिल्क पैक का जिक्र आ गया है तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मिल्क पैक हम तो बचपन से ही यूज़ करते आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा एतमाद हमारा इस दूध के ब्रांड पे है। खालिस गाढ़ा दूध आपकी चाय और मिल्क शेक्स के लिए, इसके अलावा बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी कोई भी मीठे की रेसिपी बनाएंगे तो क्रीम, सिर्फ ये क्रीम नहीं विपिंग क्रीम भी इनकी हमें आसानी से दुकानों पे मैसर होती है। और मिल्क पैक का जो चैनल है उस पे आप अगर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें तो 10 रेसिपीज़ वहाँ पे लगती हैं, नई पुरानी दोनों रेसिपीज़ ये लोग अपलोड करते हैं। इनको फॉलो कीजिए यूट्यूब के चैनल पे और मिल्क पैक अपने घर में ज़रूर इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ऐसा ब्रांड है जो कि सबसे ज़्यादा एतमाद ले चुका है आवाम। अच्छा दो आपको पता है हमारे यहाँ डेली जो फ्रूट चाट बनती है ना वो मिल्क पैक क्रीम में ही बनती है डेली, उसका इतना मज़ेदार फ्लेवर आता है कि बस मिल्क पैक की दही भी डलती है उसमें। अच्छा फ्रूट चाट में? अरे समरीन वो चना चाट में डालती हूँ मैं। नहीं 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 फ्रूट चाट में नहीं 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 वो हम लोग बनाते हैं आधी दही आधी क्रीम दोनों। अच्छा। मिल्क पैक की चीनी और वो एक पिंच ऑफ सॉल्ट और काली मिर्च और क्रीम वाली फ्रूट चाट, ओह जबरदस्त मज़ेदार। अच्छा देखिए ये है समोसा पट्टी, ये हमने लेकर इसको रखना है, इसकी फोल्डिंग थोड़ी सी हमें तवज्जो से देखनी होगी कि देखें पहले आपने ये पट्टी रखी है, नज़र आ रहा है कैमरे में? होपफुली नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी ये हमने एक पट्टी रखी, इस पर हमने प्लस की साइन जैसे हम बनाते हैं वो हमने बनानी है, इसके बीच में ये हमने रबड़ी रखनी है। ठीक है जी। अच्छा इसकी फोल्डिंग देखें दो, अगर हम इसको डायरेक्ट यूं बंद कर देंगे ना तो ये नीचे वाला ऐसे ही रह जाएगा। अच्छा। ठीक है तो हमने इसकी फोल्डिंग पर ज़रा ध्यान रखना है कि पहले हमने नीचे वाला जो रखा था उसको पोर्शन को हमने फिक्स करना है, उसके बाद हमने जो है फिर हमने इस पे ये लई लगानी है, लोई नहीं बस। अच्छा, सही है ना, याद है ना उस दिन वाली बात, याद है सब सीख रही हूं। अच्छा जी हमने यहाँ पे लई लगाई, साख के ना बड़ा आदमी बनूंगी बड़ा आदमी। सही। ठीक है जी फिर हमने इसको दूसरी साइड से बंद करना है, अच्छी तरह दबा के बंद करना है पीछे तक फोल्ड करके, और फिर हमने इसके ये वाले एजेस पे लगाना है। इतने में एक जो है वो समोसा बना भी चुकी है और मेरी अभी तक फिलिंग ही नहीं, ड्रेसिंग हो रही है दो और समरीन की आज, राइट? सही बात है। बच्चे यही करते ना छोटे बच्चे। अच्छा जी इसको फोल्डिंग करके ये देखें बिल्कुल ऐसे कर दिया, बस देखें हाँ ये उठा के देखें बस ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। अब इसको लई लगा दूं? बिल्कुल जी बिल्कुल लई लगाइए और हम ये बना के रखते जाते हैं। और मिल्क पैक का मक्खन भी, मक्खन लगाने से मुझे याद आया मक्खन, अगर आपको किसी को मक्खन लगाना हो और अपनी नौकरी में चाहिए हो प्रमोशन तो आप यूज कर सकते हैं मिल्क पैक का मक्खन। जबरदस्त। ठीक है जी ये हो गया, ओके अब मेरी और दुआ की हो रही है यहाँ रेसिंग। अच्छा मैं यहाँ जो आप लोगों को बता रही थी कि आप लोग ईदी के लिए, क्या बात है दुआ आपकी जबरदस्त, क्या परफेक्ट बनाया दुआ आपने, जबरदस्त वेल डन शाबाश, व्हाई नॉट बिल्कुल कर सकते हैं हम इसे ट्राई। अच्छा जी जैसे मैंने आपको कहा ईदी वगैरह के लिए, तो आप लोग ये अगर बना के ले जाएं, वो बच्चियाँ जिनकी इंगेजमेंट हुई है और शादी होने वाली है, ईदी का सीज़न है, लास्ट अशरे में यूजुअली ईदी जाती है, अगर ईदी में आप ये छोटी छोटी चीज़ें ऐड कर देते हैं हैंडमेड और होममेड तो आपका ना एक अच्छा इंप्रेशन हो जाता है ससुराल वालों पे, बेटी को बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा पता है क्या, ईद के मौकों पे बेटियां बड़ा इंतजार कर रही होती है ना कि मेरे घर से कब ईदी आएगी, कब ईदी आएगी, वो थोड़ा जो है ना वो भरम भी होता है इसका ना, है ना? जी जी मेरी मम्मी तो ये लाइया मेरे लिए, बच्चा कभी भी माँ बाप के लिए बड़ा। तो आपको पता है मेरी जब इंगेजमेंट हुई थी फर्स्ट ईदी गई थी ना, मैंने घर में 5 किलो मलाई खाजा बनाया था। माशाल्लाह वाह भाई वाह जबरदस्त। छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे और रफ्तार मजेदार जारी रखेंगे। बरकत रमज़ान में अफ्तार मज़ेदार भी चल रहा है और शेफ़ समरीन जो हैं वो बना रही हैं मज़ेदार रबड़ी पार्सल्स। समरीन कहाँ तक पहुँचे हैं? बस ऑलमोस्ट होने वाले हैं, फ्राइंग पर है लास्ट। ये दिखा देगा कैमरा,
ये देख लीजिए। और कितना फ्राइंग टाइम कितना है इसमें? इसका फ्राइंग टाइम 4 to 5 मिनट्स। वही वाली बात कि फ्लेम आपका इसका मीडियम रहेगा, बहुत हाई फ्लेम पे इसको हमें फ्राई नहीं करना। लेकिन जब हम इसको डालें तो हमें ये ध्यान रखना है कि ऑयल हमारा ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऑयल जो इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है अंदर, और वो चीज़ फिर ना अच्छी नहीं लगती है जब इसमें ऑयल चला जाता है। पहली बार खाऊंगी कि मीठा जो है वो नमकीन में तो नहीं, एक्चुअली फ्राइड मीठा इस तरह का ना, समोसा टाइप है ना। आपने कभी फ्राइड आइसक्रीम खाई है? बस तो फिर किसी दिन आप लोगों को खिलाते हैं सिजलिंग ब्राउनी आइसक्रीम खाना। कल भी आपने वादा किया था चरगे का, वो आपा ने कहा ना, आपा की वजह से रुक गए, खिलाऊंगी। अच्छा, हाँ, वो क्यू में है, डोंट वरी, वो हमारे मेन्यू में मैंने ऐड कर लिया। एक तो नुकसान हो गया होगा आज, क्या हमारा तेल मीठा हो गया होगा और कल ये इस्तेमाल नहीं 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 सेव कर लेंगी। एक और बात बताऊँ आपको, नमकीन चीज में मीठा नहीं फ्राई कर सकते आप, वो सेवरी चीज होती है ना, उसका नमकीन टेस्ट होता है। लेकिन अगर मीठा है तो उसमें आप नमकीन फ्राई कर लें आराम से। पक्का? हाँ हाँ, I'm damn sure about it. No, never. तेल जो है फ्रिज में संभाल के नहीं, और तेल को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती दुआ, इसको रूम टेम्परेचर पे रखिए आप। अच्छा, तेल को कभी भी नहीं रखते फ्रिज में, इसको फ्रिज में रखें तो ख़राब नहीं होता। और फ्राइंग के लिए प्लीज़ कोशिश करें, एक और टिप देती चलूँ, यहाँ भी फ्राइंग की बात निकली तो मुझे याद आया आपसे शेयर करूँ कि जब आप कोई चीज़ फ्राई कर रहे होते हैं ना डेली बेसिस पे, ऑब्वियसली रमज़ान मुबारक में कुछ ना कुछ फ्राई हो रहा होता है, तो कोशिश करें मैक्सिमम 3 to 4 डेज के बाद उस ऑयल को आप रख लें निकाल कर, और उसको फिर कुकिंग में इस्तेमाल कर ले जो सालन बन रहा है। अच्छा, मैं पता क्या करती हूँ समरीन, मैंने जैसे ये पड़ा हुआ है ना जी, कढ़ाई में जो तेल होता है ना जी जी, मैं खाना बनाती हूँ तो उस कढ़ाई का तेल निकाल के खाना बना लेती। यही कह रही हूँ, खाने में यूज कर ले बिल्कुल। हाँ। वो असल में होता बहुत ज्यादा, अब इतना है एक दफा में इतना तो ऑयल नहीं यूज होगा ना, मगर थोड़ा थोड़ा निकलता रहेगा ना, एग्जैक्टली खत्म हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल कुकिंग ऑयल। अच्छा, ये बड़ा लाइट होता है इसका फ्लेवर, आपको ये खा कर ना आपको भारीपन नहीं लगता है ना। कश्मीर में जो चीज़ें फ्राई हुई होती हैं वो खा के आपको भारीपन नहीं लगता। और हमारे साथ जो है वो रिफान कस्टर्ड भी है, कस्टर्ड और जेली जो है वो बच्चों की फेवरेट होती है। डेली अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ग़िज़ा में दूध का शुमार हो तो हम कस्टर्ड बना के दे सकते हैं, और ऊपर सजावट के लिए उसमें जेली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, आप लोग रबड़ी के साथ भी कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं, बना हुआ कस्टर्ड इसमें, लेकिन थोड़ा सा थिक उसकी कंसिस्टेंसी हो। पहले सिखाया था बिल्कुल, जो मैंने थिक वाला सिखाया था ना वो वाला लेकर। मैं थोड़ी देर के लिए सोच रही थी कि ये क्या मैं किनौर की केचप के साथ खाऊंगी, मगर मैंने कहा नहीं, ये मीठा है। किनौर की केचप जो है ये भी हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे डेली यूज हो रहा है, डेली यूज हो रहा है हमारे यहाँ तो, डेली हमारे सेट पे यूज हो रहा है। इस केचप का टेस्ट ही कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। और जो चिकन क्यूब्स हैं ये आप किसी भी खाने में डाल दें तो दाल में भी लोग इस्तेमाल करते हैं चिकन क्यूब्स। बिल्कुल स्पेशल सा फ्लेवर आ जाता है चिकन वाला, बाहर वाला रेस्टोरेंट्स वाला, तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को खिलाना भी तो एक अजाब होता है ना जी। अच्छा, बच्चों को खिलाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत सारी माएँ कहती हैं बड़ा मुश्किल काम है, बट आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ बिग डील। बच्चे बर्गर खाना चाहते हैं, सब्जी नहीं खाना चाहते, अब सब्जियों को बॉईल करके मैश करें, उनके कबाब बनाएं, बोले ये लो खाओ बर्गर, जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, मेरे बच्चे खाने में बिल्कुल भी तंग नहीं करते। मैंने एक चीज सीखी थी और मैं माओं को ये टोटका बोलने बताऊंगी कि बच्चों को ना कभी ना ठुसाएं। बच्चों की जिंदगी में ऐसे दिन होते हैं, उम्र में ऐसी वक्त होते हैं जिनमें वो खाता है, उसके जिस्म को जरूरत होती है, उसको भूख लगती है। जब ग्रोथ वाले डेज नहीं चल रहे, उसके जिस्म को जरूरत नहीं है, उसको भूख नहीं लगेगी, वो नहीं खाएगा। उन दिनों में उसके साथ अगर आपने जबरदस्ती उसके साथ की तो उसकी साइकोलॉजी में ये चीज आ जाएगी कि खाना जो है ना इससे कोई लड़ाई झगड़े वाला सीन है। तो बच्चा खाता है खाने दें, नहीं खाता जोर जबरदस्ती किसी चीज पे ना करें। दूसरी चीज मैंने ये की थी कि मैं सामने रख देती थी, मैं कहती गंद दाल, जितना गंद डालना है दाल, वो बच्चा यूं चूसता था, फेंकता था, गंद मचाता था। अब हुआ ये कि वो खुद खाते हैं, मेरे बच्चे को मुझे बिठा के वो बेटा मुंह खोलो नहीं करना पड़ता, बहुत आसानी से खा लेते हैं। अच्छा, एक और चीज, बच्चे फ्रूट्स खाने में भी बहुत तंग करते हैं ना, फ्रूट नहीं खाते, तो उसके लिए क्या करें, ये जो बारबेक्यू स्टिक्स होती है ना, शाशले के स्टिक्स, क्यूबर्स, वो लें। वो लेने के बाद आप फ्रूट्स को क्यूब में काटें, वेफर्स क्यूब में काटें, और चॉकलेट बार आप उसको स्क्यूअर में, जैसे चिकन स्टिक्स बनती हैं, एक आपने बनाना का पीस डाला, एक वेफर, एक खरबूजा, जितने फ्रूट्स हैं वो डालें, बड़ी वाली स्क्यूअर ले लें और चॉकलेट डालें, रख दें बच्चों के सामने, ये लो बेटा खाओ। हाँ, इस तरह से, ठीक है जी। अच्छा, ये भी लगाने का तरीका बता दो, सिल्वर पेपर बहुत सारे लोगों को होता है, हाथ में चिपक रहा है, हम उसको कैसे हैंडल करें? तो देखिए, इसके साथ हर बात पे एक बात, अब तो मैंने सुना ये भी असली नहीं होता चांदी,
देखें आजकल क्या चीज़ असली है दुआ, मुझे ये बताइए, है ना? तो ये कि यू नेवर नो, इवन बड़े बड़े स्टोर्स, बड़े बड़े मार्ट्स पे जो है चीज़ें आपको आपको नहीं पता कि वो कहाँ से आ रही हैं और किस तरह से आ रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी एक स्टोर का, रिसेंटली मुझे एक पूरा बिल्कुल लाइव किसी ने वीडियो बनाकर शेयर किया और वहाँ पर इतना बड़ा स्टोर, इट्स अ चेन ऑफ स्टोर्स, वहाँ पे फेक शैम्पू था। देखिए, मतलब बोलती बंद करा दिया आपने तो मेरी। अच्छा देखें, ये जो पेपर है ना, इसी को आप हाथ में ना लें, सिल्वर पेपर को, ये जो जिस कागज़ में मौजूद है इसको इस तरह रैप कर दें, जिस शेप में भी करना है, और ये देखें इस तरह से करके आप इसको करेंगे, ये आराम से आपका इस पर आ जाएगा और उसके बाद आपको जहाँ रखना है, देखें ना तो कोई रिंकल आई इसके ऊपर, ना कुछ हुआ। एक मैंने इस तरह रखा है ब्लैंक ताकि आपको पता चले उसका क्या लुक है, और बाकी ये तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच शेफ सिमरीन। मजीद ब्रेक में बाकी ये जो हमारे पास मटेरियल रह गया है इसके मैं मजीद मैं बना के सैंडविचेस खुद ही खा लूंगी अकेले। बिल्कुल ठीक है। और हमारे पास ये बादाम, पिस्ते और किशमिश भी है जी, ये हाँ। भी हम साथ में रख देंगे या बीच में अगर डाल देना फूलों के ऊपर, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है, तो बहुत हसीन लगेंगे ये। मैंने एक्चुअली दो तीन प्रेजेंटेशन बताई थी कि आपकी जिस टाइप की डिश अगर सेंटर में रखना चाहिए तो ये जरा सा एक्चुअली कलर कट डाउन होता है, ये ब्लैक था तो उसके साथ रेड के कॉम्बो में रखा है, अगर हम इसमें ये ब्राउन डालेंगे तो वो नजर नहीं आएगा ना, इस तरह से है। तो ये मैंने एक अलग से डिश रख दी, क्योंकि पहले भी बताया था कि हम जो चीज़ भी बना रहे होते हैं, मेरी कोशिश होती है उसकी कार्विंग, डेकोरेशन, प्रेजेंटेशन जो भी होती है, टॉपिंग, गार्निशिंग, वो हम उसी चीज़ से करें तो एक अच्छा सा लुक भी आता है। और अब देखिए अंदर किसी को नहीं मालूम क्या है, कोई समझे ये नमकीन है, बॉक्स पेटीज है फिर, तो इसलिए हम साथ में ये चीज़ रखते हैं ताकि पता चल जाए कि क्या है। जैसे अब हमारा चेकबोर्ड कहाँ गया, हमारा चेकबोर्ड कहाँ गया, चेकबोर्ड यहीं था, एनीवेज कहीं चला गया है, ये रहा हमारा चेकबोर्ड। अब देखें हम तो यहाँ चेकबोर्ड रख देते हैं, बट सबके पास नहीं होता, अब किसी को नहीं मालूम कि ये सेवरी है या स्वीट है, तो इसलिए हम प्रेजेंटेशन में कोशिश करते हैं उसी चीज़ को इस्तेमाल कर लें जो उसके इंग्रेडिएंट्स में मौजूद है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। अच्छा ये होता है कि जब हम एक चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं, खाना कहने को बड़ी एक आसान सी चीज़ है, सभी औरतें घर में बना सकती हैं, मगर जो चीज़ प्रोफेशनली हम सीखते हैं हम उसके उसके अंदर बेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसको ब्यूटीफाई कर सकते हैं, और यही करता है एक शेफ। और समरीन सिर्फ शेफ नहीं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो वो साथ साथ हमें फायदियत भी बताती रहती हैं चीज़ों की। अच्छा मजे की बात बताऊँ दुआ, ये जो जितनी चीज़ें मैं शेयर कर रही होती हूँ ना, इसमें से जो लॉजिकल चीज़ें हैं या फैक्ट्स हैं वो तो पढ़े हैं, लेकिन ये जो चीज़ें बताएं कि इसके साथ इसकी कॉम्बिनेशन, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और ये मैं खुद अपनी नॉलेज शेयर कर रही होती हूँ, अपना एक्सपीरियंस, ये नहीं सिखाता कोई। अच्छा, एक और बात मुझे याद आई, मुझे मैं कल सोची थी कि मैं ये बात प्रोग्राम में ट्रांसमिशन में भी बोलूँगी बताऊँगी, एज अ थेरेपिस्ट जो जो चीज़ें मेंटल हेल्थ को बेहतर करने के लिए हम कर सकते हैं, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था कि हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे माइंड से हैप्पीनेस के हार्मोन्स रिलीज होते हैं, तो जो लोग उदास रहते हैं वो सिर्फ डेली एक्सरसाइज करना शुरू करें 40 मिनट के लिए, तो कुछ ही मतलब 40 दिन के बाद आपके दिमाग से नेचुरल हैप्पीनेस के हार्मोन्स बनना शुरू हो जाएंगे और आप हैप्पीनेस की तरफ आएंगे। ग्रेट। दूसरी चीज हम ये कहते हैं कि क्रिएशन जो होती है ना, क्रिएटिविटी, वो आपको खुश करती है, वो आपके अंदर उदासी का जो आंसर होता है उसको कम करती है और ख़त्म करती है। सही अब क्रिएटिविटी में जो है, मैं आपको बताऊं कि आपने कभी देखा होगा जो इंतहाई घरेलू खवातीन होती है उनको खाना बनाने में सुकून मिलता है, बिल्कुल इसी तरह कुछ खवातीन पेंटिंग करती हैं तो उनको सुकून मिलता है, कुछ पेंटिंग भी तो क्रिएशन है ना, आपने एक आर्ट बनाई है, कोई इंसान जो है कंपोजिंग करता है तो उसको कोई भी कलाम कंपोज करके खुशी या तस्कीन महसूस होती है, तो क्रिएशन। मुफ्ती साहब मुझे ये बात आपसे भी ज़रा पूछनी थी कि ब्रेक पे भी हमने जाना है, हो सकता है जवाब आप वापस आके भी दे सकते हैं मुझे मुफ्ती साहब, कि अल्लाह ताला की सिफ्त है, ही इज़ अ क्रिएटर हिमसेल्फ, तो हमें तमाम सिफात इलाही में सुकून मिलता है, बिल्कुल इसी तरह जब हम कुछ क्रिएट करते हैं तो नफ्सियात कहती है कि इंसान को खुशी महसूस होती है। इसका जवाब लेंगे मुफ्ती साहब से ब्रेक पे आने के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, बरकत रमज़ान में हमारी इफ्तार बन चुकी है, आज का मेन्यू बन चुका है और समरीन भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जनाब मौजू है उम्मातुल मोमिनीन के हवाले से, और मैं अपने मुफ्ती साहब से सवाल करूँगी
कि मुफ्ती साहब, जैसे हम बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि उनकी उम्र मुबारक जो थी वो काफ़ी कम थी। आज के ज़माने में अगर हम ये सोचते हैं कि हम अपने बेटों की शादी जल्दी करा दें तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि वो पहले अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, या बेटी अभी छोटी है, अभी उसको दुनिया का इल्म ही नहीं है, तो इस हवाले से आप क्या इरशाद फरमाएंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जितने भी निकाह फरमाए, सबसे पहली बात ये याद रखी है, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं निकाह करने में और निकाह करवाने में, यानी रिश्ता करने में और रिश्ता करवाने में, जहाँ से करता हूँ और जिसको रिश्ता देता हूँ, अल्लाह की मर्ज़ी का पाबंद हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने जहाँ जहाँ से रिश्ते किए वो अल्लाह की मर्ज़ी से किए, सबसे पहली बात ये। और जिस जिस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने रिश्ते दिए वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से दिए। सही। यहाँ तक कि सय्यदा खातून जन्नत के बारे में जो हदीस मशहूर है कि उनका निकाह अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को दिखाया कि आसमानों पर हो गया, तो इससे ये बात समझ आती है आप अलैहिस्सलाम ने जितने निकाह फरमाए वो अल्लाह ताला की मर्ज़ी से थे। और इस पर कोई एतराज़ नहीं उठता कि भाई आप अलैहिस्सलाम ने सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला वसलामुल्लाहि अलैहा के साथ इतनी कम उम्र में निकाह क्यों फरमाया। सय्यदा आयशा सिद्दीका की उम्र बाद रिवायात के मुताबिक 11 साल थी, तो सय्यदा खातून जन्नत का जब हजरत मौला कायनात से निकाह हुआ तो आपकी उम्र भी 11 साल थी। ये हम लोगों के रस्म और रिवाज और हमारी जो जहेज की जो लानत है, इस वजह से बच्चियों के निकाह ताखीर का शिकार होते हैं। हालांकि पहले ऐसा नहीं था, पहले बच्ची के बालिग होती उसका निकाह कर दिया जाता था। आप पूरे नबी पाक की जितनी भी साहबजादी हैं सबके निकाहों में आपको ये चीज़ मिलेगी। दूसरी बात यह कि अगर हम इस दौर में ये करते हैं तो हमें ये बातें सुनने को मिलती है कि अब तो ये अपनी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे और बच्चा अभी थोड़ा बड़ा हो जाए, ये कार ले ले, ये घर बना ले, वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे माशरे में इस वक्त बिगाड़ आ रहा है। बच्चियां कोर्ट मैरिज की तरफ जा रही हैं, इसी तरीके से बच्चे जरी हो रहे हैं, वालिदैन के नाफरमान हो रहे हैं। उसकी वजह क्या है कि जब अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने इंसान को एक इख्तियार दे रखा है अपनी हाजात तबइया की तकमील के लिए और उसे बुलूगत के बाद निकाह का इख्तियार दे रखा है, तो फिर हमें सबसे पहले ये जो हमारी गलत रस्म और रिवाज हैं, बिलखसूस जहेज की लानत का जो एक बहुत गंदी रस्म है कि इतना तोले सोना दो तो इतनी गाड़ियां दो तो इतने फ्रिज और इतने डीप फ्रीजर और इतने घर, इसको जब हम ख़त्म कर देंगे तो ये सारे के सारे सवालात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो लड़के वालों की तरफ से हो चाहे वो लड़की वालों की तरफ से हो। बहरहाल बेहतर यही है कि हम अज़वाज मुतहरात की जो सीरत है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम, यहाँ पर एक अहम तरीन बात अर्ज़ कर दूँ कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी बनाई तो मस्जिद नबवी बनाने के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने उस वक्त चूँकि दो निकाह फरमा लिए थे, एक सय्यदा आयशा से फरमा लिया था और एक सय्यदा सौदा से, ये दो अजवाज आपके निकाह में उस वक्त थी, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी के बनाते साथ ही इनके घर भी साथ में बनाए। और फिर जैसे जैसे आप अलैहिस्सलाम निकाह फरमाते गए वैसे वैसे अजवाज के घर बनते चले गए। छः घर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अजवाज के छः या सात, वो शामी साइड पे थे, आप मदीना शरीफ गई आप जनाबे सलमा का भी, जी उम्मे सलमा, हजरत ज़ैनब बिनते जहाश और हजरत सौदा, हजरत सय्यदा आयशा, इन सब का शाम की तरफ घर था और हजरत उम्मे हफ्सा भी उसी में थी और बाकी जो अजवाज थी उनका ये उसकी बिलमुकाबिल जो अपोजिट साइड थी उस तरफ घर था। और ये अजवाज के घर इतने नज़दीक थे, इतने नज़दीक थे कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम मस्जिद के इतने मुत्तसिल थे, नबी पाक अलैहिस्सलाम जब एतिकाफ़ में बैठा करते थे तो आप मस्जिद की खिड़की से अपना सर बाहर निकालते थे तो अजवाज मुतारात आप सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम के सर अनवर को धोने का शरफ़ हासिल कर लेती थी, इतने करीब घर थे। तो अजवाज को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम ने इतना कुर्ब अता फरमाया। सही है, सही है। तो बहरहाल ये कि अर्ज करने का आखिरी जो बात अर्ज कर दूं, कोशिश करें निकाह में उजलत करें, निकाह में ताखीर जल्दी करें, जल्दी करें, बिल्कुल। मुफ्ती साहब, क्योंकि आज अजवाज मुतहरात के जरिए हम लोग इज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर बनाने के ऊपर भी बात करी, हम लोगों ने मसाइल डिस्कस करे इज़दवाजी ज़िंदगी खूबसूरत बनाने के लिए, मुझे बताइए कोई वजीफ़ा अगर हो जल्दी से, फिर दुआ की तरफ चलते हैं, इफ्तार का भी वक्त हुआ चला है। सबसे बड़ा वजीफा तो मैं रोज यही अर्ज करता हूँ, नमाज है। बिल्कुल। और फिर अगर आप देखते हैं अगर शोहर हट धर्म है या बीवी चिड़चिड़ी है, गुस्से वाली है, तो उसका आसान तरीका यह है कि आप
सात मरतबा सूरह फातिहा पढ़ के चीनी पर या किसी मीठी चीज़ पर दम कर दे, मियाँ बीवी में से कोई भी एक दूसरे को खिला दे, इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में उसके मिजाज में नरमी आ जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दुआ के लिए हाथ उठाएं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بعدد كل داء ودواء وبارك وسلم يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام। गुज़िश्ता सब मेरे मौलाए कायनात मौला हैदर करार करम अल्लाह ताला वजल करीम की शब दरबत है। मौला हैदर करार की शब दरबत और आपकी मजलूमियत का वास्ता देकर तेरी बारगाह में दुआ करते हैं, हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ पाक परवरदिगार, हमारे आज के इस रोज़े को शर्फ़ कबूलियत अता फरमा। आज जितनी इबादत कर सके हैं सबको कबूल फरमा। हमारे वालिदैन की बख्शिश व मगफरत फरमा। जिनके वालिदैन हयात हैं उन्हें उम्र खिज़री अता फरमा। या रब्बुल आलमीन, जो मांग सके वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बेचैनों को चैन अता फरमा, बे औलादों को औलाद नरीना सालेहा अता फरमा। तंग दस्तों की तंग दस्तियां दूर फरमा, ईमान की सलामती अता फरमा, मरते दम कलिमा तैयबा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन या अरहमर राहिमीन, मेरे मुल्क पाकिस्तान को इस्तेहकाम अता फरमा, इसके हर हर शहर को अमन का गहवारा बना, हर हर घर को अमन का गहवारा बना। या रब्बल आलमीन, नबी पाक की अजवाज मुतहरात और नबी पाक के आपस की जो उनसियत और मोहब्बत के मामलात थे उसका वास्ता देते हुए अर्ज करते हैं कि मेरे मुल्क पाकिस्तान और तमाम आलम इस्लाम में खैर और बरकत अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिक। اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة
التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعصر مقام محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोज़ा अफ्तार हो गया है. आप सब ने भी हमारे साथ अफ्तारी तो कर ली होगी. चलें अब जाएं मगरिब की नमाज़ पढ़ें, इबादत करें और मेरे हक़ में भी दुआ कीजिएगा. कल फिर मिलेंगे 3:45 पे न्यूज़ 1 में इंशाल्लाह. तब तक के लिए खुदा हाफिज़. दुआ मलिक की तरफ से.